मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस देखा था कल हमने। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू एक्स सी इज इक्वल्स टू के इंटू डी। सो के इंटू डी तक हमने देखा था कल, यानी इट इज नथिंग बट एक्स सी। और k की वैल्यूज 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी, ये हमने देखी है। सिग्मा एस टी जैसे जैसे चेंज होता वैसे वैसे k चेंज होता। एफ ई 250 के लिए 0.4, एफ ई 415 के लिए 0.28 एंड एफ ई 500 के लिए 0.25, ये हम हमारे वैल्यूज कल निकले। नाउ आज हम देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कल हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देखा, आज हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे। ओके, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस तरह फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। दैट इज एक्स, कॉम्प्रेशन टेकन बाय, ये कॉम्प्रेशन में रहेगा, ये पार्ट टेंशन में है। टेंशन कौन ले रहा? सिर्फ और सिर्फ स्टील ले रहा, इसलिए आपका ये जो लाइन रहेगी दैट इज डॉटेड, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस कौन लेगा? आपका स्टील लेगा, कॉन्क्रीट नहीं लेगा। ओके, कॉन्क्रीट सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेशन का एरिया आपका इतना ही यूजेबल है, इतना यूजेबल नहीं है, लेकिन आपको एक लीवर आर्म मिलने को ना, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्क्रीट प्रोवाइड किया है। ओके, एक लीवर आर्म मिलने को ना करके करके अपने को करना पड़ता। और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला दैट इज एक्स, एक्स इट इज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला कॉन्क्रीट कोई काम का नहीं है, टेंशन वाला, क्योंकि अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज एफ सी आर, एफ सी आर इट इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के निगलेक्ट कर रहा है। ओके, वो पकड़ ही नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, यानी क्या? देखो गाइस, एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आपको अभी लेना है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस के बाजू वाला जो एरिया है वो एरिया क्या है? दैट बी इंटू एक्स है, कंप्रेशन वाला एरिया। सो बी वी टेकन स्मॉल बी, दैट्स व्हाई स्मॉल बी इंटू एक्स, दैट इज एरिया। अब मोमेंट लेना है, यानी इसका सीजी कहां से कहां तक है? इसका सीजी जो है That is x by 2. That is x by 2. ये CG है. Okay, x by 2 पे CG आएगा. So, moment लेना है, यानी area into CG. Area into CG from neutral axis. क्योंकि कहां से ले रहे, moment कहां से ले रहे अपन? Neutral axis से moment ले रहे. Okay, area moment ले रहे. Force moment नहीं है, क्या है? Area moment है. एरिया इंटू एक्स करना पड़ेगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? एरिया मोमेंट बोलेंगे। मैं फिर से बता रहा, एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट यानी ये जो एरिया है वो एरिया बी इंटू एक्स दैट इज एरिया इंटू उसका सीजी दैट इज नथिंग बट एरिया मोमेंट, दैट इज नथिंग बट एरिया मोमेंट। ओके, नेक्स्ट,
एएसटी, अभी क्या है मेरा एएसटी, ये एएसटी। अब ये एएसटी और इतना बड़ा कंक्रीट का एरिया, ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। इसीलिए क्या करेंगे कि एएसटी जो भी है मेरा, वो उसको मैं क्या इंटू कर दूंगा, मॉडुलर रेशियो इंटू कर दूंगा, 280/3 σ cbc वाला। ओके, क्यों? क्योंकि स्टील का एरिया और कंक्रीट का एरिया फिर सेम आ जाए इसके लिए, क्योंकि स्टील का एरिया और कंक्रीट का एरिया सेम आ जाए इसलिए, इसलिए m इंटू ए एस टी, m इंटू ए एस टी। अब उसका डिस्टेंस क्या है, d माइनस x उसका डिस्टेंस है, लीवर आर्म का डिस्टेंस क्या है गाइस, d माइनस x उसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये टोटल d माइनस x कर दूंगा, तो d माइनस x इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट्स वाई डी माइनस एक्स मैं कर दूंगा, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस, यहां से एक्स जो है वो निकल जाता, एक्स जो है वो निकल जाता, दैट इज बी एक्स स्क्वायर बाय टू इट्स इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स, एम ए एस टी डी माइनस एक्स। अब आप बोलोगे सर एम बी तो डाल दो, यस एग्जैक्टली एम बी डाल देते हैं अपन, 1 मिनट, 280/3 σ cbc इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स, तो इससे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका निकल जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन आपको ये रट्टा नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि एरिया मोमेंट, एरिया मोमेंट, एरिया ऑफ द कंप्रेशन इनटू दैट सीजी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, एरिया ऑफ द टेंशन स्टील एएसटी, एएसटी इज इक्वल्स टू एएससी रहने को होना। इसीलिए क्या किया है हमने, हमने किया है कि उसको मॉडुलर रेशियो हमने इनटू कर दिया है डायरेक्टली। ओके, क्योंकि एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील रहने को होना, इसलिए इसलिए मॉडुलर रेशियो, क्योंकि ये छोटा एरिया है ना, बहुत छोटा दिख रहा है ना आपको, ये छोटा एरिया 1 2 3 छोटा एरिया इज इक्वल टू, इतना बड़ा एरिया नहीं होगा, इसीलिए इनटू क्या कर दिया हमने, मॉडुलर रेशियो प्रोवाइड कर दिया, मॉडुलर रेशियो प्रोवाइड कर दिया, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया हो गया अभी। एंड फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर ऑफ द बार टू द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज डी माइनस एक्स। ओके, तो ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हो गया है। नाउ गो टू द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट स्टेप। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एम आर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज एम आर फर्स्ट, बेस्ड ऑन कंप्रेशन, बेस्ड ऑन कंप्रेशन। अब बेस्ड ऑन कंप्रेशन है, सो बेस्ड ऑन कंप्रेशन इट इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू सी इंटू एल। अब सी यानी क्या है, कंप्रेशन फोर्स। अब आप सी एफ भी बोल सकते हैं इसको, और सी बोल सकते हैं, सी इंटू एल। वेल एल इज इक्वल टू लीवर आर्म, ओके, सो लीवर आर्म अभी निकालेंगे अपन, लीवर आर्म कितना रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह रहेगा। कंप्रेशन फोर्स एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया, दैट इज कंप्रेशन फोर्स।
So, what is average stress now for compression? Sigma CBC plus 0 divided by 2 एवरेज स्ट्रेस। ये देखो कंप्रेशन कौन ले रहा है, इतना ही पार्ट ले रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ही पार्ट ले रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला ही पार्ट ले रहा है यहां से यहां तक का, तो इसीलिए यहां पे पार्ट क्या है आपका, सिग्मा सीबीसी है। सिग्मा सीबीसी इंटू एक्स, ओके यहां तक ही है। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका क्या है, स्ट्रेस 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय 2, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय 2, ओके दैट इज एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस, ओके दैट इज व्हाट, एवरेज स्ट्रेस, ओके ये एवरेज स्ट्रेस हो गया, एवरेज स्ट्रेस। अब फोर्स चाहिए मुझे, फोर्स चाहिए, तो स्ट्रेस इंटू एरिया करना पड़ेगा, तो एरिया क्या है मेरा, बी इंटू एक्स। व्हाट इज माय एरिया, इट इज बी इंटू न्यूट्रल एक्सिस, एरिया ऑफ द कंप्रेशन बीम, एरिया ऑफ द कंप्रेशन बीम, सो ये मेरा एरिया हो गया। यानी मैं क्या इसको किस तरह लिख सकता, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय 2 बी इंटू एक्स डिवाइड बाय, यानी प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय 2 बी इंटू एक्स, दैट इज माई कॉम्प्रेशन फोर्स। वॉट इज माई लीवर आर्म नाउ, ओके वॉट इज माई लीवर आर्म नाउ, लीवर आर्म एल इज इक्वल टू, लीवर आर्म एल इज इक्वल टू, अब ये सी फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, दिस इज ट्राइंगल, फ्रॉम दिस ट्राइंगल का सी जी ऊपर से कितने इस पर रहता गाइस, x/3, 2x/3, सो यहां पे आपका ये सी फोर्स लगेगा, क्या है आपका सी फोर्स, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय 2 इंटू बी इंटू एक्स, ये आपका सी फोर्स यहां पे लगेगा, कहां पे लग रहा, x/3 पे लग रहा, x/3 पे, ओके लिमिट स्टेट में कहां पे लगता, 0.4, 0.42 एक्सयू पे लगता, 0.42 एक्सयू पे लगता, यहां पे कहां पे लग रहा, x/3 पे लग रहा, यहां पे क्या पे लग रहा, x/3 पे, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल है ना, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल है। अब लीवर आर्म यानी क्या होता है कि आपका जो भी टी का और सी का डिस्टेंस, तो टी कहां पे रहेगा, ऑब्वियसली टी इट इज फॉर हियर, और टी क्या रहेगा आपका, टी इट इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाय एम इंटू ए एस टी, इंटू ए एस टी, अब ए एस टी कौन सा लगेगा, एम ए एस टी, वो बताता मैं थोड़ी देर में, ओके ए एस टी कौन सा लगेगा आपका, एम ए एस टी लगेगा, एम ए एस टी यानी ए एस टी इंटू एम, सो दैट्स व्हाई दिस एम एम गेट कैंसल, तो बचेगा क्या आपका, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, इट इज नथिंग बट टी। अब टी और सी का जो भी डिस्टेंस रहेगा, दैट डिस्टेंस इट इज नथिंग बट लीवर आर्म, दैट नथिंग बट डी माइनस x/3, डी माइनस x/3 किसके बीच का डिस्टेंस, ये सी फोर्स का और टी फोर्स का डिस्टेंस, दैट इज कपल, दैट इज कपल, ओके कपल, मैं इधर फिर से निकाल लेता, सी फोर्स और ये टी फोर्स, इसके बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट लीवर आर्म, दिस इज डी माइनस x/3, टी फोर्स, टी फोर्स ऐसे ही जा रहा और सी फोर्स ऐसे ही जा रहा, तो क्या बन रहा है, ये कपल बन रहा, ओके कपल, कपल के बीच का डिस्टेंस क्या रहता, लीवर आर्म रहता, ओके ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज कपल बन रहा। व्हाट इज लीवर आर्म नाउ, लीवर आर्म मैं यहाँ पे लिख लेता डी माइनस x/3, आप कर लो अभी एम एम आर, एम आर बेस्ड ऑन कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय 2 इंटू बी इंटू एक्स, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय 2 इंटू बी इंटू एक्स,
इनटू डी माइनस एक्स बाय थ्री ब्रैकेट में, दैट इज नथिंग बट आवर लिबर। तो ये अपना एम आर कॉम्प्रेशन हो गया, एम आर कॉम्प्रेशन। नेक्स्ट वी टेकन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन, सॉरी, बेस्ड ऑन टेंशन। टेंशन क्या रहेगा? टी इंटू एल रहेगा, टेंशन फोर्स इंटू एल। टेंशन फोर्स मैंने अभी बताया आपको, वेयर टी इज इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स और टेंशन फोर्स इज नथिंग बट सिग्मा एस टी बाय एम इंटू ए एस टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। एम इंटू ए एस टी क्यों कर रहे हैं गाइस? एम इंटू ए एस टी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील मिलने को ना, इसीलिए यहाँ पे एम इंटू ए एस टी है। तो इसीलिए वहां पे मैंने क्या लिखा, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। ओके, लीवर आर्म तो वही रहेगा, लीवर आर्म कोई चेंजेस नहीं है। दैट्स व्हाई एम आर टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा एस टी एस टी डी माइनस एक्स बाय थ्री, दैट इज एम आर टेंशन। ओके, एम आर कॉम्प्रेशन भी हो गया, एम आर टेंशन भी हो गया। समझा क्या? पहले ये बात बताओ, समझा क्या गाइस? हेलो, ब्लर है क्या आपके पास? क्लियर नहीं है क्या स्क्रीन? ओके, नेक्स्ट ब्लर आहे। ओके, आता सबको ही ब्लर है क्या गाइस? ब्लर क्लियर है ना? ओके, नाउ सेक्शंस। नेक्स्ट रीडिंग इट इज इक्वल टू सेक्शंस। टाइप ऑफ सेक्शन, फर्स्ट इट इज बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा? बैलेंस सेक्शन में ये होगा कि बोथ फेल टुगेदर, यानी कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रहेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रहेगा, यानी कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू टेंशन, यानी दोनों एक ही रहेंगे। कॉम्प्रेशन के लिए जितना रहेगा उतना ही टेंशन के लिए रहेगा, ओके, सेम रहेगा। बोथ फेल टुगेदर, यानी पहले कंक्रीट भी पहले सेम फेल होगा और स्टील भी सेम फेल होगा। इस तरह अपन बैलेंस सेक्शन पकड़ते हैं, बोथ फेल टुगेदर। सो दैट इज इक्वेशन वन एंड दैट इज इक्वेशन नंबर टू।
इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू में मैं एक्स इज इक्वल टू एक्स ही पुट कर देता इन एम आर इक्वेशन वन और टू, आप कोई भी इसमें कर सकते हैं, मैं पहले इसमें करता। एम आर इक्वेशन में इक्वेशन वन विथ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही पुट करता, तो एक्स ही क्या है अपना, सर कैमरा सर बहुत दिक्कत हाँ एक्स इज इक्वल टू क्या है, के डी है। एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, के डी है। एक्स इज इक्वल टू के डी है। सो एम आर, एम आर अपन जब इसमें डालेंगे तो सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू बी इंटू एक्स सी इंटू डी माइनस एक्स सी बाय थ्री। सो क्या हो जाएगा गाइस, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू बी इंटू के इंटू डी इंटू अगेन डी माइनस के डी बाय थ्री। डी कॉमन निकलता, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू बी इंटू डी। अब यहाँ पे के, यहाँ पे के जैसे कि वैसे बच रहा के, डी कॉमन निकाल लिया मैंने तो डी स्क्वायर हो गया, वन माइनस डी कॉमन निकाल लिया तो के बाय थ्री, वन माइनस के बाय थ्री, दैट इज एम आर कॉन्स्टेंट, वन माइनस के बाय थ्री दैट इज जे। ओके ओके, सो दैट्स व्हाई एम आर कॉन्स्टेंट एंड लीवर आर्म कॉन्स्टेंट, सॉरी दैट इज लीवर आर्म कॉन्स्टेंट, वन माइनस के बाय जे दैट इज लीवर आर्म कॉन्स्टेंट। के इज नथिंग बट व्हाट, न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट कल देखा था आपने। ओके, न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट कल देखा था हमने। तो एम आर इज इक्वल टू यानी वन माइनस के बाय थ्री दैट इज वी पुटिंग जे, जे इज नथिंग बट लीवर आर्म कॉन्स्टेंट। आपको डिराइव लीवर आर्म कॉन्स्टेंट करने आया तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। ओके, डिराइव द लीवर आर्म कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट एम आर इज इक्वल टू, एम आर इज इक्वल टू अपन कैसे करेंगे फिर, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू के इंटू बी डी स्क्वायर इंटू जे, या फिर बी डी स्क्वायर इंटू के इंटू जे, इस तरह अपन लिख सकते हैं, दैट इज योर एम आर हो गया फिर। ओके अगेन सिग्मा सी बी सी बाय टू इंटू जे, ये जो है के इंटू जे यानी सिग्मा सी बी सी बाय टू इंटू के इंटू जे, इसको भी मैं और एक कॉन्स्टेंट लिख सकता, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू के इंटू जे इज नथिंग बट क्यू, ये भी मैं लिख सकता, दैट इज नथिंग बट एम आर कॉन्स्टेंट, दैट इज नथिंग बट एम आर कॉन्स्टेंट। तो एम आर कॉन्स्टेंट अगर मैंने लिख लिया क्यू, तो एम आर क्या हो गया आपका, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका फॉर बैलेंस सेक्शन, इट इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू बी डी स्क्वायर। तो ये आपको डिराइव करने के लिए आता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में डिराइव करने के लिए आता, क्या डिराइव करने के लिए आता, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स डिराइव करो। तो कॉन्स्टेंट जब भी डिराइव करना है आपको, तब न्यूट्रल एक्सिस कॉन्स्टेंट आपको डिराइव करना है सबसे पहले। ओके, के देन आपको यहां से ये बैलेंस सेक्शन लेके, बैलेंस सेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स ही लेके, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको नहीं लेना है। ओके, और न्यूट्रल एक्सिस भी आपको नहीं लेना है, उसके बीच की स्टेप्स वो आपको नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली क्या लेना है, एक्स ही आपको डिराइव करना पड़ेगा पहले। ओके, एक्स ही आपको डिराइव करना पड़ेगा, एक्स ही के बाद डायरेक्टली गो फॉर द बैलेंस सेक्शन। ओके, सो ये आपको टाइप ऑफ सेक्शन एंड डायरेक्टली आपको यहां से लीवर आर्म कॉन्स्टेंट मिल जाएगा और एम आर कॉन्स्टेंट मिल जाएगा।
तो बीच के जो दो स्टेप्स है ना, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड MR रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको ना लिखते हुए डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एंड डायरेक्टली बैलेंस सेक्शन, ये आप लिख लोगे तो आपका वो 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके 8 मार्क का कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, 8 मार्क के लिए या फिर 13 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। ओके सर, हाँ बोला। सर ते डिजाइन ऑफ कांस्टेंट टाइप ऑफ स्टील और डिपेंड रहते कि ग्रेड ऑफ स्टील। डिजाइन कांस्टेंट कुंता आई जे कुंता के आई जे के, हे बघ के तुझा कशावर डिपेंड है, ग्रेड ऑफ ग्रेड स्टील। ऑफ स्टील वर जे म्हणजेच काय, 1 - K/3 म्हणजेच हा पण कशावर डिपेंड आहे, डिपेंड्स ऑन स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। लेकिन क्यू जो है वो काय पे डिपेंड है आपका, डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील दोनों पे। यानी के और जे आपका ग्रेड ऑफ स्टील पे ही डिपेंड है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अगर क्यू देख रहे तो क्यू में क्या आ रहा आपका, सिग्मा सीबीसी भी आ रहा ना, सिग्मा सीबीसी कैसे आ रहा, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आपका 20 है तो सिग्मा सीबीसी कितना है, 7 है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आपका यानी M15 है तो सिग्मा सीबीसी कितना है, 5 है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अगर आपका 25 है तो सिग्मा सीबीसी कितना है आपका, 8.5 है। इट इज चेंज, दैट्स व्हाई क्यू इज चेंज। ओके एंड स्टील भी अगर आप चेंज कर रहे हैं, 240 कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, तो आपका के भी चेंज हो रहा और जे भी चेंज हो रहा, के भी चेंज हो रहा और जे भी चेंज हो रहा, तो इसलिए आपके ये जो डिपेंड्स है, के एंड जे इज डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, क्यू इट्स डिपेंड अपॉन MR constant is depend upon grade of steel and grade of concrete both. Okay. Okay, guys. तो ये हमने सेक्शन से जान लिया, ने सेक्शन में बैलेंस सेक्शन में हमने देखा x is equals to xc, x is equals to xc करके हमने निकाल लिया। नाउ अभी हम यहाँ पे पूरा टेबल निकाल सकते हैं, लेकिन अपन बाद में निकालेंगे, सबसे पहले अपन सेक्शंस जो हमने स्टार्ट किया वो सेक्शंस अपन ले लेते हैं। आपका J इज इक्वल टू 1 - K/3 बन गया, Q इज इक्वल टू सिग्मा सी बी सी बाय 2 इंटू के इंटू जी, ये बन गया। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला वी आर पुटिंग इन, यहां पे भी पुट करते तो क्या निकलता देख लेते। MR टेंशन में तो सिग्मा ST AST D-XC/3 by 3 d बाहर निकल जाता 1 - K/3, so 1 - K/3 is nothing but j, okay, sigma st ast d into j, समझे क्या भाई, समझे क्या? ओके तो ये आप MR टेंशन भी इस तरह लिख सकते हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए, बैलेंस सेक्शन के लिए इस तरह ले सकते हैं, सिग्मा एसटी एएसटी डी इनटू जे, डायरेक्टली जे हो जाता। नेक्स्ट अंडर एंड फॉर सेक्शन, बैलेंस सेक्शन में क्या हो रहा है आपका, जो भी स्ट्रेस डायग्राम है वो स्ट्रेस डायग्राम क्या हो रही, एक्सी इज इक्वल टू एक्स हो रहा, xc is equals to x है, that is d minus x, sorry d minus x,
सिग्मा सी, सॉरी सिग्मा सीवीसी। सिग्मा एस टी बाय, ओके, इस तरह की आपके डायग्राम बन रही है। नेक्स्ट इट इज बैलेंस सेक्शन। सॉरी बैलेंस सेक्शन हो गया, अंडर रेंट फ्लो सेक्शन। एक्स इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन एक्स यानी क्या? सो एम आर कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन? एम आर कैलकुलेशन में यूज एक्स इन इक्वेशन वन एंड टू, जो भी अपन ने वन और टू के लिए इक्वेशन लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, वन और टू, तो उसमें अपन एक्स एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पुट करेंगे। एक्स इट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हम पुट करेंगे, एक्स ही नहीं, एक्स यानी क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो एक्स पुट करेंगे। तो अभी यहां पे डायग्राम्स क्या बनती, यहां पे डायग्राम्स देखो क्या बनती। ये आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ओके, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। एंड अभी आपका क्या है? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इट इज लेस देन क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। सो दिस इज योर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी सेम रहता। अभी यहां पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे सिग्मा वन हो जाएगा, सिग्मा वन। वाई सिग्मा वन? क्योंकि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा, क्योंकि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। ओके, क्या मैंने ये फाइनल ईयर वाले जो है उनको निकाल के दिया था स्ट्रेस डायग्राम्स? आई थिंक सो, मैं इसी ही गया था। ओके, सो ये आपका सिग्मा वन रहेगा यहाँ पे, सिग्मा वन कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ये टोटल सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी में से सिग्मा वन। ओके, सिग्मा वन, और ये सिग्मा सी, सिग्मा एस टी बाय एम, सिग्मा एस टी बाय एम नीचे। ओके, सिग्मा एस टी बाय एम। ओके, सो आपको स्ट्रेस डायग्राम समझने को ना, और ये अपने को यहाँ पे जब अपन ये करेंगे यानी क्वेश्चंस करेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट और अच्छे से अपन डीपली जाएंगे उसमें, सिग्मा इसमें यानी स्ट्रेस डायग्राम में, क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर ही पूरा का पूरा फेरी है। थर्ड, ओवर रेंट फॉर सेक्शन। एक्सिस ग्रेटर देन एक्सी, एक्स ग्रेटर है एक्सी से। सो एक्स ग्रेटर है एक्सी से यानी यहां पे क्या हो रहा, यहां पे मैं क्या कर रहा कि यहां पे मैं ओवर रेंटफोर्स सेक्शन भी डिजाइन कर सकता। नोट, इन डब्ल्यू एस एम वी कैन डिजाइन ओवर रेंटफोर्स सेक्शन बाय यूजिंग एक्स एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन एक्सी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, व्हाइल एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी। तो भी हम यूज करेंगे, काय में यूज करेंगे? एमआर कैलकुलेशन में, यानी हम क्या कर सकते हैं? ओवर रेंटफोर्स सेक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं डब्ल्यू एस एम में।
ओके कब, जब अपना एक्सी यानी एक्स जो है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सी से बड़ा है तो भी हम एक्स ही लेंगे। कहाँ पे वी यूज एक्स, वी यूज एक्स, वी यूज एक्स। इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक्स ही यूज करूंगा। ओके एक्स ही यूज करूंगा मैं वन एंड टू के लिए, क्योंकि इक्वेशन वन एंड टू के लिए एक्स ही नहीं यूज करूंगा। अब अगर हम लिमिट स्टेट पर देखते हैं, इसी में देखो नोट अगेन, नोट इन लिमिट स्टेट वी टेकन ऑलवेज लेसर न्यूट्रल एक्सिस, लेसर न्यूट्रल एक्सिस जो भी छोटा है वो लेंगे। इसमें नहीं है, वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में जो न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल है वही लेंगे। ओके बैलेंस सेक्शन है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स ही रहेगा, अंडर एंड फोर्स है तो एक्स ही लेना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ओवर रेनफोर्स है तभी एक्स ही लेना पड़ेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे सभी जगह आपको एक्स ही लेना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ही लेना पड़ेगा। और लिमिट सेट में क्या है कि जो भी छोटा न्यूट्रल एक्सिस है, अगर आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा है और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस छोटा है तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अपन लेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हम लेंगे, वहां पे ओवर रेनफोर्सेशन अलाउड नहीं है। ओके ओवर रेनफोर्सेशन इज नॉट अलाउड इन लिमिट स्टेट मेथड। ओवर रेनफोर्सेशन इज नॉट अलाउड इन लिमिट स्टेट मेथड। ओके ओके सो व्हाट इज स्ट्रेस डायग्राम नाउ, थोड़ा बड़ी स्ट्रेस डायग्राम निकालते हैं, मैं आपको समझने के लिए थोड़ा अच्छे से जाएगा। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एक्स ही नाउ, वन मिनट गाइस। ये क्या है, एक्स है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, और यहां से यहां तक क्या है मेरा एक्स ही है, एक्स ही है, एक्स ही यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहां से यहां तक क्या रहेगा मेरा सिग्मा सी बी सी, अभी चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक टोटल है आपका सिग्मा एस टी बाय एम, अभी चेंज कौन हो रहा है आपका, आपका चेंज हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, आपका रेड में जो भी स्ट्रेस दिख रहा है वो स्ट्रेस कौन सा है आपका, सिग्मा एस है, दैट इज सिग्मा एस वन, दैट इज नथिंग बट, मैं यहां से फिर से प्रोजेक्शन ले लेता हूँ यहां से लेके यहां तक, दैट इज सिग्मा एस वन, सिग्मा एस टी वन भी बोल सकते हैं आप और सिग्मा एस वन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिग्मा सिग्मा वन लिखा मैंने, सिग्मा सी वन लिखेंगे अपन यहाँ पे, एक्चुअली सिग्मा सी वन, वैसे यहाँ पे सिग्मा एस वन, सिग्मा एस वन लिखेंगे। ओके तो सिग्मा एस वन आपका रिड्यूस हो रहा है, आप
क्यों रिड्यूस हो रहा, क्योंकि ये आपका सिग्मा सीबीसी उतना ही रहेगा ओवर इंफ्रासेक्शन में। ओवर इंफ्रासेक्शन में क्या होगा कि आपका जो भी आपने स्ट्रेस, आपने ज्यादा क्या प्रोवाइड किया है, आपने ये प्रोवाइड कर दिया ज्यादा, क्या प्रोवाइड कर दिया ज्यादा, आपने स्टील प्रोवाइड कर दिया ज्यादा, स्टील प्रोवाइड कर दिया ज्यादा, इसलिए आपका परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही स्ट्रेस आपका यूज होगा, कम ही स्ट्रेस आपका यूज होगा, इसीलिए आपका सिग्मा एस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी, सिग्मा एस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगी। सो ये हम यहाँ पे देखेंगे, यानी प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से देखेंगे और ओके इसके ऊपर ही पूरे के पूरे क्वेश्चन है अभी, और गेट भी जाएगा तो इसी के ऊपर जाएगा, ये स्ट्रेस डायग्राम के ऊपर ही पूछेगा क्वेश्चन गेट में, क्योंकि लास्ट ईयर तक WSM नहीं था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंसेप्ट नहीं था। यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड कंसेप्ट उन्होंने इसमें लिखा है, क्या में लिखा है, आपके सिलेबस में लिखा है। सो 101% वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया, ओके। जो ज्यादा डीपली नहीं जाता है और ज्यादा डीपली उनको कोई मतलब नहीं है जाने का, यहां से ही क्वेश्चन आएगा, ओके। एक तो अपना कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट से बहुत कमी चांसेस, दैट कंसेप्ट, कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर की चांसेस है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन इट इज बैलेंस परसेंटेज इन WSM, ओके, परसेंटेज ऑफ स्टील इन WSM गाइस, PT बैलेंस। बैलेंस परसेंटेज स्टील इन WSM, एम इज इक्वल्स क्यूबीडी स्क्वायर, क्यूबीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज MR कंप्रेशन इज इक्वल्स टू MR टेंशन, सिग्मा एस टी ए एस टी इंटू के इंटू डी इंटू जी डी इंटू जे, ओके इस तरह अपन बोल सकते हैं। सो यहां से क्या हो जाएगा, अपना पीटी बैल निकालना है आपको, पीटी बैल यानी क्या हो जाएगा, AST बाय BD चाहिए, तो AST इधर ही है आपका, अब डी भी है आपका एक, तो ये डी का स्क्वायर और ये डी गेट कैंसिल, तो अभी BD आप इधर ले लो, तो बचेगा क्या, ये साइड जाने के लिए क्या बचेगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका PT हो गया, इंटू 100 यहाँ पे कर देंगे अपन तो PT हो जाएगा, ओके। AS बाय BD रहता ना, तो AST बाय BD अभी आपको यहाँ पे मिल गया, BD आपने इधर कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ AS सिग्मा ST इंटू J, तो Q डिवाइड बाय सिग्मा ST इंटू J, ओके, इंटू 100 कर दो बोथ बोथ साइड, Q डिवाइड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू 100 इज इक्वल्स टू AST डिवाइड बाय BD इंटू 100, सो आपका क्या हो जाएगा, PT बैल, दिस इज नथिंग बट अ PT बैल नाउ, PT बैलेंस, सो परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय सिग्मा ST इंटू J इंटू 100%, ओके, दैट इज MR compression, that is MR tension. MR tension मैंने यहाँ पे निकाला, MR compression भी यहाँ पे था, QBD square, okay? QBD square. तो MR tension is equal to MR compression से आप निकाल सकते, PT back. तो PT percentage now. PT percentage निकाल लेते फिर, okay. AS by BD,
और आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, कैन आई इरेज दिस? कर सकता है इरेज? ओ आप तो लिख ही नहीं रहे होंगे ना, पुराने बुक होगा आपके पास, इट मे बी। ओके, सो पीटी बैल इज इक्वल टू दिस, ये अभी है। और आप पी टी इज इक्वल टू ये लिख सकते ना, AST डिवाइड बाय BD इंटू 100, ये तो है ही। ओके, सो फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन फॉर बैलेंस सेक्शन C इज इक्वल टू T। C क्या है आपका? दिस इज C, सिग्मा सी बी सी इंटू व्हाट इज टी? टी इट इज सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी। अभी आपको यहां पे क्या चाहिए? अभी आपको ए एस टी बाय बी डी चाहिए, तो ए एस टी इधर ही रहने दो, डिवाइड बाय बी कर दो, सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू सिग्मा एस टी इंटू एक्स, इतना बचा। अभी क्या करेंगे अपन? इधर चले गया ना ये सिग्मा एस टी, इधर चले गया। अब बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे बचा यहाँ पे डी होना, तो आप डिवाइड बोथ साइड डी कर दो, इंटू 100 करना पड़ेगा। एक मिनट, डिवाइडिंग बोथ साइड डी एंड मल्टीप्लाइंग 100। ओके, तो सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय टू इंटू सिग्मा एस टी इंटू डी इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू ए एस बाय बी डी इंटू 100, दिस इज अगेन पी टी बैल। ये क्या हो जाता है आपका? पी टी बैल। ओके, पी टी बैल होता है। अब अगर एक्स ही एक्स एक्स यानी क्या है मेरा? एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा बैलेंस सेक्शन के लिए? एक्स ही रहेगा, एक्स ही रहेगा, एक्स ही रहेगा बैलेंस सेक्शन के लिए। ओके, बैलेंस सेक्शन के लिए एक्स इज इक्वल टू एक्स ही, यानी ये आप जनरल सेक्शन के लिए भी इस तरह निकाल सकते। जनरल सेक्शन के लिए इस तरह आपका हो गया, बैलेंस सेक्शन के लिए आप एक्स ही कर सकते। वन मिनट, सी इज इक्वल टू डी आप एक्स एंड पी टी अगर आपको निकालना है तो पी टी आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, सी इज इक्वल टू टी करके। ओके, सी इज इक्वल टू टी नहीं कर सकते एक्स ही, क्योंकि स्ट्रेस कम होगा। ओके ठीक है, सो बैलेंस सेक्शन में ही कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी, सी इज इक्वल टू डी करके आप निकाल सकते हैं। यहां तक निकालने के बाद यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी इंटू डी इंटू एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी 200% इज इक्वल टू पी टी। अब हम के को वैल्यू पुट करते, के की वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 काट दो गाइस, 50 हो जाता। सो के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द रेफरेंस ऑफ सिग्मा एस टी, तो सिग्मा सी बी सी यानी क्या हो जाएगा? 50 इंटू सिग्मा सी बी सी डिवाइड बाय सिग्मा एस टी इंटू डी के डी 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 की कैंसिल, सॉरी ओनली के इज इक्वल टू पी टी, दैट इज अल्टीमेट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला। ओके, पी टी के लिए पी टी बैलेंस, तो पी टी बैल के दो फॉर्मूले आते हैं।
यानी आप इस तरह भी जा सकते हैं और इस तरह भी जा सकते हैं। आपको डिराइव अगर करने को है कि बैलेंस परसेंटेज ऑफ बैलेंस आपको देखना है और आपको ऑप्शंस में भी है, ये दोनों भी, तो आपके ये दोनों भी करेक्ट है। ओके, तो अभी आपको ये सिग्मा सीबीसी वगैरह देखे नहीं रहेगा, उनके कुछ तो भी अलग साइन रहेंगे, लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि बेंडिंग कॉम्प्रेशन जो भी रहेगा, कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, तो वो कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन आपको समझना पड़ेगा, दैट इज इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन में है करके। ओके, कॉन्क्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन में करके, तो वैसे आप तो देखे रहेंगे। ओके, अब इसके जो भी है डिराइव के प्रॉब्लम्स, ये अपन कर लेते हैं, यानी नहीं, एक एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, बाकी के मैं तुमको होमवर्क दे देता हूँ, बाकी तुम कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, यानी आप आपने जो अभी भी सीखा है वो हो जाता। डिराइव नहीं, कांस्टेंट निकालने वाला है, फाइंड द कांस्टेंट वाले प्रॉब्लम। क्वेश्चन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिजाइन कांस्टेंट WSL, एंड डिराइव तो अभी अपन ने कर लिए पूरे के पूरे, वही आपका क्वेश्चन का आंसर था। एंड कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू फॉर M20 Fe 250 M20 Fe 415 M20 Fe 500 M25 Fe 415 M15 Fe 500 M30 Fe 415। ओके, इतने सारे आपको डिराइव करना है, इसमें से पहला मैं डिराइव करके देता हूं। पहला क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ डिजाइन कांस्टेंट इन WSM, यानी JKL इन JKQ, JKQ, ये आपको डिजाइन करना है, आपको डिराइव करना है, कांस्टेंट बोले तो PT नहीं होगा, PT इज नॉट अ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट क्या है आपके, JKQ। तो सबसे पहले आपने, हम क्या निकालेंगे, हम मैं पहले इसके लिए आपको निकाल के देता सॉल्यूशन, बाकी के आपको होमवर्क है। पहले इसके लिए मैं निकाल लेता, दैट इज न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी फर्स्ट M20 प्लस Fe 250 वैल्यूज। पहला क्या है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट दैट इज K, सो K इज इक्वल टू M सिग्मा CBC इज इक्वल टू 93.33 सिग्मा एस टी, क्या रहेगा 93.33 और 93.33 प्लस 140 इज इक्वल टू 0.4, कल ही निकाला अपन ने। ओके, नेक्स्ट जे, व्हाट इज जे नाउ, सेकंड लीवर आर्म कांस्टेंट, सेकंड लीवर आर्म कांस्टेंट
लिब्रम कांस्टेंट क्या है, जे है, जे इज इक्वल टू 1 - k/3, 1 - 0.4/3, हाउ मच, 9.3 आता, 8.3 आता, हाउ मच गाइस, 0.86, and then MR constant. That is Q. Q it is nothing but sigma CBC divided by nature vector. Q is equals to sigma CBC divided by 2 into K into J. Okay. So sigma CBC kitna rahega? For M20, sigma CBC it is equals to 7 by 2 into 0.4 into 0.86. How much? ये पहला हो गया. वैसे ही आपको हाँ 1.204. ओके 1.204. ओके 1.204. दैट इज कांस्टेंट. नो यूनिट है, यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट है. 1.204 इंटू बी डी स्क्वायर कर दोगे आप तो आपको MR मिल जाएगा. ठीक है, MR इन कंप्रेशन. तो इसी तरह आपको ये पूरे निकालना है. 5 पहला मैंने निकाल के दिया, बाकी के पूरे आपको इसी तरह निकालना है. बाकी अपन कल देखते हैं. ओके, कल देखते हैं गाइस. दैट इज योर होमवर्क.